नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने पत्रकार वार्ता को जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थानों तथा स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधि के रूप में और अधिक सशक्त करने के लिए दृष्टिगत हरियाणा में पहली बार नगर निगमों के मेयर पद के सीधे करवाए गए चुनाव की तर्ज पर अब नगर परिषदों व नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के चुनाव भी सीधे करवाने का प्रस्ताव तैयार किया है। वहीं उन्होंने कहा कि इसके अलावा जिला परिषदों व नगर निगम के सदस्यों के लिए विधानसभा की तर्ज पर ही हर 3 महीने बाद 3 दिन का स्तर बुलाने का मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। इस दौरान कृष्ण कुमार बेदी ने कई विषयों पर चर्चा की। आप देख रहे हैं इसी के साथ पल पल की विशेष रिपोर्ट। कुछ प्रमुख लोगों को स्वयं मुख्यमंत्री जी हिसार के अंदर भी सम्मानित करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरे 22 के 22 जिलों में सीएम साहब लगभग आधा घंटा उस राहगिरी के कार्यक्रम में के बारे में लोगों से चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से सभी नगर निगम की तर्ज पर नगर पालिका और नगर परिषद का चुनाव भी डायरेक्ट कराने की मंशा सरकार की बनी है। इसी प्रकार से जिला परिषद का भी विधानसभा की तर्ज पर 3 दिन का सेशन बुलाया जाएगा, जिला परिषद का और नगर निगम का, ताकि उसमें एक अच्छी चर्चा के तहत, अब तो केवल मीटिंग होती है आधे घंटे की, 2 घंटे 3 घंटे की भी होगी मीटिंग, वो कुछ मुद्दों पे चर्चा करके और लमसम करके निपट जाते हैं, एक अच्छी चर्चा है और उसमें अच्छी चर्चा करके जिस प्रकार से जब जिला परिषद का जिला लेवल पे होगा, नगर निगम का नगर निगम में होगा। स्पीकर की अभी टेंटेटिवली बात ये तय की गई है, जब मेयर डायरेक्ट चुन के आया, या तो मेयर हो उनका या फिर किसी भी जिला परिषद का कोई भी सीनियर यदि कोई सदस्य है उसको उसका स्पीकर बनाया जाए, ये भी ऐसा विचार हुआ है और उसके विस्तार में जाएंगे।